नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार सरकार लगातार समीक्षा कर रही है बिहार के सभी जिलों की कोरोना संकट के दौरान में, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन जिलों के हालात कैसे हैं, कहां पर कैसी व्यवस्थाएं की जा रही है, किन लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। सरकार की तमाम गतिविधियों की जानकारी हर शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार देते हैं, और साथ ही साथ बिहार के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार और पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जानकारी देते हैं कि उनके क्षेत्रों में क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं सरकार की ओर से, आप सुनिए। कोरोना संक्रमण को लेकर जो वर्तमान स्थिति है, उसके संबंध में लगातार समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। जो आज की समीक्षा में कुछ निर्देश दिए गए हैं उन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क का वितरण सरकार की तरफ से किया जा रहा था और सोप का, तो आज निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, ठेला वेंडर हैं, इस तरह के जो भी लोग हैं, उनको भी मास्क का वितरण शहरी क्षेत्र में भी किया जाए, और इसके संबंध में डिटेल्स हम लोग आपको शेयर कर देंगे। दूसरा कि जो राशन कार्ड विहीन परिवार हैं, उनके लिए लगातार ये कहा जा रहा है और विभाग को भी निर्देश दिया जा रहा है कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र राशन कार्ड दिया जाए और 1,000 रुपये की सहायता भी उनको दी जाए, जो भी सुयोग्य परिवार चिन्हित किए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के द्वारा और शहरी क्षेत्रों में NULM या नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के द्वारा, तो इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दूसरा कि वैसे तो कोरोना को लेकर लगातार जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं हम लोग, विभागों के स्तर से भी, विज्ञापनों के द्वारा, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि हम लोग अनलॉक वन फेज़ में पहुंचे हैं, जहां अधिकांश कार्यों की अनुमति दे दी गई है, तो अब लोगों को जागरूक रखना बहुत आवश्यक है, और इस वजह से अब बहुत इंटेंसिफाइड तरीके से, बहुत ही विशेष तरीके से हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे, और इसका इस संबंध में कल एक सभी पंचायत प्रतिनिधियों, नगर निकायों के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों के साथ कल माननीय मुख्यमंत्री का एक संवाद होगा, और वो एड्रेस भी करेंगे सभी लोगों को और बताएंगे कि जागरूकता रखने की क्या आवश्यकता है और क्यों अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और सूचना के माध्यम से कि कल का जो ये जागरूकता वाला कार्यक्रम होगा, ये टीवी चैनल्स पे, News18 और जी पे भी रहेगा, लाइव होगा, इसका प्रसारण देखा जा सकता है, और इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे भी इसको लाइव करेंगे हम लोग, और विज्ञापन के माध्यम से आज हम लोग ये जानकारी सभी को दे देंगे, आप लोग भी इसको प्रसारित कर सकते हैं इस जानकारी को। आज बहुत रूटीन फिगर्स हम लोग भेज देंगे, कुछ केवल दो चीज़ें और बता देना चाहता हूँ। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है, और लॉकडाउन पीरियड में अभी तक 4,37,736 योजनाओं में जो ली गई इस बीच में, उनमें अभी तक 4,46,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन हुआ है, और ट्रेन्स की संख्या अब लगभग बहुत कम बची है। जैसे आज 15 ट्रेन्स आ रही हैं जिनके माध्यम से 24,750 लोग आएंगे, और कल के लिए 6 ट्रेन्स हैं केवल जिसके माध्यम से 9,900 लोग आएंगे। तो अब ये विशेष ट्रेन से जो आने का इशू था, ये भी लगभग सभी लोग अब आ चुके हैं, और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अब फिर 15 तारीख से हम लोग ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर 15 तारीख तक ही चलाएंगे। जहां तक माइग्रेंट्स का प्रश्न है, अब तक
2903 लोग ऐसे हैं जो बाहर के राज्यों से आए हैं 3 मई के बाद, और जांच में वे कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां तक सर्वे का प्रश्न है, जो भी प्रवासी व्यक्ति अपने घर में होम क्वारंटीन में रह रहे हैं, उनको वे होम क्वारंटीन का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं, और उनमें सिम्टम्स कोई डेवलप हुआ है या नहीं, इसके लिए हम लोग लगातार 14 दिन तक उन सर्वे करके माध्यम से उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और जो अब तक का इसमें आंकड़ा है वो है कि हम लोग 3,54,000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर चुके हैं, जिनमें 109 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनमें बुखार, खांसी अथवा सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है। जो भी व्यक्ति सिम्टोमेटिक प्राप्त हो रहे हैं उनकी अनिवार्य जांच कराई जा रही है, चाहे वे सर्वे के दौरान पाए जाएं, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर में पाए जाएं। 1 जून 2020 से नई गाइडलाइंस के साथ जो प्रावधान लागू हुए हैं, उसकी अवधि में एक ही कांड दर्ज हुआ है और 768 वाहनों को जब्त किया गया है। 24,30,800 की राशि फाइन के रूप में वसूल की गई है, गिरफ्तारी कोई नहीं है। तो अगर आप तब से लेकर जब से जो है लॉकडाउन लागू हुआ था तब से अभी तक का जो है कम्युलेटिव आंकड़ा देखें तो 2,261 कांड है, 2,442 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, 86,113 वाहनों को जब्त किया गया और 20,67,00,000 की राशि फाइन के रूप में वसूल की। तो जैसा कि आपने सुना, सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने बताया है कि सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरों में रहने वाले जितने भी रिक्शा चालक हैं, ठेला वेंडर्स हैं और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बीच भी कोरोना से बचाव की सामग्री का वितरण किया जा सके। साथ ही साथ रोजगार की तो बात हर रोज की ही जा रही है, राशन कार्ड जिन परिवारों के पास नहीं है उन्हें जल्द से जल्द राशन कार्ड मुहैया की जाए। और साथ ही साथ बड़ी बात ये कही गई कि अनलॉक वन में गतिविधियां बढ़ चुकी हैं, लोग सड़कों पर हैं, हर चीज़ शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच जागरूकता अभियान चलाया जाना बेहद ज़रूरी है, जिसे कि चलाया भी जाएगा और लोगों को जागरूक किया भी जाएगा। उसी बीच में स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने ये जानकारी दी है कि बिहार में कहाँ कितने मरीज मिले हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं और कोरोना का अपडेट क्या कुछ है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो कुछ भी गतिविधियां फिलहाल चल रही है उसकी जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी है। तो सरकार हर रोज़ समीक्षा कर रही है, डिजिटली सरकार की नज़र पूरे बिहार पर है, हर ज़िले की जो है वो अच्छी तरह से देखरेख की जा रही है, ये ख्याल रखा जा रहा है कि कहाँ क्या कुछ कमी है, कहाँ क्या लगना है और कहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जानी है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।